नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार और आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वी ऑल नो फॉर लास्ट टू इयर्स लाइक वी हैव द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन, और इसके जो है सबसे जो डिफरेंट इस इन्फेक्शन के साथ ये है कि हर बार ये वायरस अपना रूप बदल रहा है और इसके वेरियंट्स अलग अलग हो रहे हैं। जैसे लास्ट जो सर्च था वो डेल्टा वेरिएंट का था, उसके जो डिजीज का जो पैटर्न था या जो लक्षण थे या साइंस एंड सिम्टम्स आप कह लिए वो बिल्कुल अलग थे, और इस बार वो डिफरेंट है। तो मैं ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी। थैंकफुली ओमाइक्रॉन वेरिएंट के साथ ये है कि डिजीज की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब डिजीज जो है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, तो ये एक माइल्डर फॉर्म हम मान के चलेंगे। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि कैसे ये फैलता है, तो ये जो है ओमाइक्रॉन वेरिएंट वो हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है। मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हो, चाहे टच ना भी किया हो बट आपने मास्क नहीं लगाया हो, उससे आपके सामने खांसी करी या छींका, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो नेजल सिक्रीशंस के थ्रू या माउथ के सिक्रीशंस के थ्रू इनके थ्रू हवा में फैलता है और फिर वो अगले दूसरे बंदे को हो जाता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, ऑब्वियसली जब ड्रॉपलेट से होता है टच से होता है, तो ये कॉन्टेजियस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो माइल्ड होते हैं, सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब कमिंग टू लक्षण क्या क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल कोल्ड वाले जो लक्षण होते हैं जैसे नाक से पानी आना, खांसी आना, बदन में दर्द होना, बुखार, टेम्परेचर इसमें हाई डिग्री टू मॉडरेट डिग्री तक देखा गया है, एंड एक आपको वेग फीलिंग होगा इलनेस का या लेथार्जी का या मसल एक्स होते हैं, और दूसरा है कि जो सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट जो डेल्टा वेरिएंट में देखा गया था कि ऑलमोस्ट सब में मिल रहा है, वो इसमें वैरी कर रहा है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रिजर्व करता है सेंस और स्मेल के स्मेल और टेस्ट के सेंस को। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू द सिम्टम्स बिटवीन दीज टू वेरियंट्स। एंड दूसरा ये जो एक अच्छी चीज़ इसमें देखी जा रही है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम है और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब लंग्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो दैट इज़ वन रीज़न कि इसमें जो सीटी में फाइंडिंग्स वगैरह हमें दिखती थी या निमोनिया जो बहुत ज़्यादा हुआ था डेल्टा वेरियंट में जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, वो चीज़ें इसमें कम दिख रही हैं। तो सिम्टम्स इसमें माइल्ड हैं बट ये हाईली कॉन्टेजियस है, तो हमें प्रिकॉशंस जो है वो सेम लेनी है, मतलब हमें मास्किंग, हैंड सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, और अगर आप किसी ऐसे बंदे से एक्सपोज हो गए हो जिनको ओमाइक्रॉन का इन्फेक्शन है तो आप अपने आप को भी क्वारंटाइन करें, और जो अगर आपको हो गया है तो आप अपने आप को आइसोलेट करें सो दैट कम्युनिटी में ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। दूसरा है प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसे ही यही लक्षण होते हैं, जैसे कोल्ड में जो लक्षण हमें मिलते हैं बुखार, बदन दर्द, जुकाम या गले में खराश सी फील होना या खांसी का आना, तो जैसे ही हो, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है अपने आप में एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सप्रेस हो जाती है, तो उसमें ये लक्षण और उभर के आते हैं। तो जैसे ही आप में ये सारे लक्षण हैं आप फील करें तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आइसोलेट होना होगा या फिर दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन लें। सेल्फ मेडिकेशन इस टाइम में बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं होता है, तो यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर ऑब्स्टेट्रिशियन एज वेल एज अ फिजिशियन और अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट। सो दिस इज वन थिंग। देन दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसे टाइम में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जब आप डिलीवरी के पास हो तो भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये देखा गया है कि इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर से बेबी में ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है,
मतलब अगर आपको कोरोना हुआ है तो नॉट नेसेसरीली आपके यूट्रस में जो आपका बेबी है उसको भी हो जाएगा. तो ये लास्ट वेव में भी हमने ये देखा था, अभी भी जो स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि एक नई बीमारी है तो ये इसके बारे में जो स्टैटिस्टिक्स अभी इवॉल्व हो रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा मैनेजमेंट है और हमारी तैयारी भी इवॉल्व हो रही है उसी हिसाब से. तो वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब माँ से बच्चे में कोरोना जाने के कोरोना के इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, तो पैनिक ना करें. दूसरी बात है कि डिलीवरी के लिए भी देयर आर हॉस्पिटल जिन्होंने से अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं. कोरोना पॉजिटिव जोन अलग होता है, नेगेटिव होता है, सस्पिशियस जोन होता है. तो एक टर्शरी सेंटर केयर सेंटर जहाँ पे इन सब चीज़ों की फैसिलिटी हो, जहाँ एक नियोनेटोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिशियन हो, NICU की सुविधा हो, वैसी जगह आप डिलीवरी आराम से प्लान कर सकते हैं. अगर डिलीवरी हो गई हो और उसके बाद कोरोना संक्रमित आप हो गए हो तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आता है कि आप बच्चे को फीड करा सकते हैं कि नहीं. ऑब्वियसली आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, मास्क हैंड सैनिटाइज करके बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो माँ के दूध से जो एंटीबॉडीज बच्चे में जाता है वो बच्चे को और स्ट्रॉन्ग बनाता है. दूसरा तरीका होता है कि कई बार अगर आप बिल्कुल आप खुद इस स्टेट में नहीं है कि आप बच्चे को हैंडल कर सकते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके भी बच्चे को दे सकते हैं. बट डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए इस दौरान. ऐसा ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे में कोरोना के वायरस नहीं जाते हैं. ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं बताना चाहूँगी. तीसरी बात, मैं उन लोगों के लिए जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं और वैक्सीनेटेड भी नहीं है, तो वैक्सीनेशन इज टोटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन. टू कंक्लूड माई मैसेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोरोना के लक्षण को पहचाने, उसको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह लें. डॉक्टर इन द सेंस कि आपके लिए एक टीम होगा, लाइक एक ऑब्स्टेट्रिशियन तो है ही, साथ में एक फिजिशियन या रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पेशलिस्ट की जरूर सलाह लें. अगर आप डिलीवरी डेट के करीब हैं तो ऐसी जगह डिलीवरी प्लान करें जो एक टर्शियरी केयर सेंटर हो, जहाँ एक NICU हो, जहाँ एक फुल्ली डेडिकेटेड नियोनेटोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिशियन की टीम हो आपके बेबी को हैंडल करने के लिए. देन अगर आप डिलीवरी हो चुकी है और बेबी को फीड करा रहे हैं तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं. आपको वो सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, मास्किंग, हैंड सैनिटाइजिंग और बेबी को मिनिमल हैंडलिंग. अदरवाइज आप उसको एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं जो कि कोई और उसको फीड करा रहे हैं. बट डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड कराना है बिकॉज आपके ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होती है जो बेबी को स्ट्रांग बनाती है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वैक्सीनेशन यू कैन गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग लैक्टेशन. इट इज टोटली सेफ. दैट्स ऑल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.